रामकली प्रजापति नाम की एक महिला ने हमीरपुर जिले के मौदाहा गांव के रहने वाले कैलाश के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई। प्रजापति ने आरोप लगाया था कि कैलाश मानसिक रूप से बीमार उसके भाई को दिल्ली ले गया था। कैलाश ने वादा किया था कि वो उसके भाई का इलाज करवाएगा और ठीक होने पर वापस गांव भेज देगा, लेकिन इसकी जगह उसके भाई को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। FIR के मुताबिक जब कैलाश वापस लौटा तो वो गांव के सभी लोगों को दिल्ली के एक कार्यक्रम में ले गया, जहां उसने सभी को कथित तौर पर ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। कैलाश ने प्रजापति के भाई को ईसाई धर्म अपनाने के बदले पैसे देने की बात भी कही थी। वहीं कोर्ट में कैलाश के वकील ने दावा किया कि रामकली के भाई का धर्म परिवर्तन नहीं किया गया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोपों को देखते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि धर्मांतरण की गतिविधि को जारी रहने दिया गया तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगी। ऐसे धार्मिक समागमों को तुरंत रोका जाना चाहिए। धर्मांतरण हो रहा है और लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल यह आया होगा कि जबरन धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन होता क्या है। दरअसल हमारा संविधान हर किसी को अपनी आस्था, अपना विश्वास और अपना धर्म चुनने का अधिकार देता है, लेकिन समस्या तब हो जाती है जब कोई व्यक्ति लालच, धोखे या दबाव के चलते धर्म परिवर्तन करता है या उससे उन आधारों पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। इसे ही जबरन धर्मांतरण कहा जाता है। अनुच्छेद 25 के तहत भारतीय संविधान धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को जबरन लागू नहीं करेगा। क्योंकि भारत कई धर्मों का देश है, इसलिए जबरन धर्मांतरण को गलत माना जाता है। जबरन धर्मांतरण में कोई एक विशेष धर्म दूसरे धर्म पर किसी न किसी तरह से हावी हो जाता है और उनके लोगों को अपने धर्म में शामिल करने लगता है, जिससे अलग अलग धर्मों का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। जबरन धर्मांतरण से होने वाली समस्याओं पर नज़र डालें तो यह संप्रदायवाद और कट्टरपंथ की समस्या को जन्म दे सकता है। इससे समुदायों के बीच आपसी वैमनस्यता बढ़ती है। कभी कभी धर्मांतरण न करने वालों के साथ हिंसा भी की जाती है। इस हिंसा और वैमनस्यता का लाभ उठाकर कई देश विरोधी ताकतें इसको बढ़ावा देने की जुगत में लग जाती हैं। वे इसकी फंडिंग करती हैं, जिससे यह व्यक्तिगत आज़ादी और देश की सुरक्षा दोनों के लिए घातक हो जाती है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसके अनुसार हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की अनुमति है, लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार का अधिकार जबरन धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता है। जबरन धर्मांतरण से जुड़े कानून की बात करें तो देश में जबरन धर्मांतरण को रोकने के खिलाफ कोई समग्र कानून नहीं है। हालांकि देश के कई राज्यों में जबरन धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सरकार ने 2021 में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया था। इस कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। या तो बात हुई कानून और ताज़ा मामले की, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन से हमें क्या वाकई में डरने की ज़रूरत है, ये हम कुछ स्टडीज़ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इसी साल मई में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की एक स्टडी आई थी। इस स्टडी में दावा किया गया था कि 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% तक घट गई। इस स्टडी से यह तो साफ है कि अगर वक्त रहते जबरन धर्मांतरण की घटनाएं नहीं रुकी तो वास्तव में इस देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगी। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और बाकी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।